नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज। जनपद गाजीपुर के हरिशंकरी में शुरू हुई रामलीला जो करीब 450 साल से भी पुरानी बताई जाती है। यह रामलीला चलायमान रामलीला में भी शामिल है जो कई जगहों पर रामलीला का मंचन करते हुए अब लंका के मैदान में पहुंच चुकी है, जहां पर कल सूप नकाकर नाग कटैया रामलीला का मंचन किया गया। और इस रामलीला में क्या हुआ, आइए आप खुद देखें। एक दूसरा की सैद करूंगा चिंतन कर सको, यही राम जी लक्ष्मण सरकार को बतला रहे हैं। तुम परम क्रिया परमेश्वर का ध्यान करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ज्ञान भक्ति सुना किसी हाँ। अब इसी पंचवटी नामक स्थान पर और एक स्त्री भी साथ में लिए, इनसे अगर से मैं तभी खूबसूरत हूँ दिख रहे हैं, लगता है आंखें बड़ी बड़ी, वैसे इनकी भी आंखें सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को नवरात्र दीपावली विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश और जनपद वासियों से अपील करता हूं कि स्वच्छता पर इस दिवाली विशेष ध्यान दें। हमारी इच्छा है कि सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी छात्रों की ओर से एक स्वयंसेवी छात्र संगठन का समूह तैयार किया जाए और उनकी लिस्ट तैयार हो, सर्च कर लीजिए कि जो स्वयंसेवी हमारे छात्र हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके ब्लड ग्रुप विधिवत रखे जाएं। और गाजीपुर जिले ही नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई निडी है, इस तरह का आवश्यक है, तो हमारे प्रिंसिपल को वो फोन करें, उनकी सूची उपलब्ध कराए और निःशुल्क रक्तदान का एक कार्यक्रम पूरे देश के स्तर पर ये चलाया जाए। ये हमारी कोशिश है कि रक्तदान जिसे कहा जाता है वंत तक दान के रूप में ही उस निडी व्यक्ति तक पहुँच जाए।